कासगंज में अज्ञात कारणों से ब्यूटी पार्लर में लगी आग। अचानक ब्यूटी पार्लर में आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैली। ग्रामीणों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आकर 2 लाख रुपए के सामान सहित 60,000 रुपए की नकदी भी जलकर खाक हो गई। ब्यूटी पार्लर संचालिका के मुताबिक उसने सवेरे 8 बजे अपने पार्लर खोली थी। दुकान खोलने के बाद ग्राहक का सामान देने गई थी संचालिका नंदिनी। ब्यूटी पार्लर में आग लगने का नहीं पता चल सका कारण। कासगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव अहरोली रेलवे फाटक के समीप का मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? नंदिनी। आज आपकी शॉप में आग लगी है, क्या कारण है? सर, मैं सुबह आई थी और झाड़ू लगा के चली गई थी, किसी ने दुपट्टे मंगाए थे, मैं वो देने गई थी। अब पता नहीं कैसे लगी है, मुझे खुद नहीं पता। अच्छा, आपका कितना नुकसान हुआ? मेरा इसमें कम से कम नहीं तो 2 लाख के लगभग तो माल था, मैंने गलत से माल भरा है। 60,000 से मैंने किसी से लिए 2 लाख, वो भी मैं जामे रख के चली गई थी। आज सुबह जब आप बता रही थी कि पूजा करने, साफ सफाई करने आई थी, कितने बजे लगभग? मैं 8:30 बजे आई हूँ, 9:45 बजे तो सफाई करके 9 बजे मैं चल निकल गई हूँ। 9 बजे करीब आग लगी हुई है भैया ने। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं तो यहाँ नदरी रहती हूँ।